हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एसपीएसएस में एनोवा टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, आपको ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि इस चार्ट का मतलब क्या है। देखिए, इस चार्ट में मैंने बताया हुआ है कि पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम कब लगाते हैं। सो जैसे हमने देखिए लास्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है कि पैरामीट्रिक टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, कि जब हमारे पास जो है फोर बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, देन वी विल गो फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट and then we will check the nature of the data, that means how many variables we have. If we have two variables, then we need to go for independent t-test and the pair t-test. उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होगा। क्या हमारे पास यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें देखना है कि मीन डिफरेंस क्या होगा, तो हमें देखना है इंडिपेंडेंट टी-टेस्ट। बट अगर मीन टेस्ट हमें देखना है कि रिस्पॉन्सेज का टू टाइम्स, तो हम जाएंगे पेयर टी-टेस्ट में, जैसे हमने लास्ट देखा था। इसमें देखिए, पेयर टी-टेस्ट में हमेशा देखना या एक कंसेप्ट रखना, दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। सो आप कैसे भी उस तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे को जानना है कि व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑफ माय पोर्टफोलियो, मैं एनालाइज करना चाहता हूँ बिफोर द कोविड एंड आफ्टर द कोविड, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो भी क्या जाएगा आपका पेयर टी टेस्ट, राइट। चलिए अब आते हैं हम, दैट मीन्स अगर हमारे पास मान लीजिए वेरिएबल्स अगर मोर देन टू होंगे तो हमें क्या करना है। तो फर्स्ट हमें देखने, दैट इज रिलेटेड टू एनोवा। देखिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में जैसे कि हमारे पास दो थे, अब हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, बट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव वो है, दैट इज टू फाइंड आउट दी मेन डिफरेंसेस, ठीक है। बस चेंज यहाँ पर दो ही वेरिएबल थे, और दो से ज़्यादा कितने थे, तीन चार पाँच कितने भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हमें एनोवा की तरफ जाना होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि इसके एनोवा कैसे करना है। क्या देखना है, एनोवा कौन सा टेस्ट है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो पहले हमें वही पैरामीट्रिक टेस्ट की जो कंडीशन है, पहले हमें वही चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद हम एनोवा पे जाएंगे। चलिए एनोवा देखते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए मारुति कंपनी है, उनकी ये सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स डिपेंड करता है कि वो उनकी जो है कार की प्रोडक्शन की टाइप्स, जैसे देखिए उनके पास काफी सारी जो है आपको पता है कि मॉडल्स होते हैं। कुछ कार के प्राइस जो है लो प्राइस होता है, किसी का मीडियम प्राइस होता है, किसी का हाई प्राइस होता है, यानी कुछ कुछ जो एक्सपेंसिव होती है, कुछ जो है मॉडरेट लेवल की होती है, कुछ जो है लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, या कह सकते हैं चीपर होती है। तो कंपनी जानना चाहती है कि क्या हम अगर लो प्राइस की अगर हम सिर्फ और सिर्फ वही सेल करें तो उसका जो सेल इंक्रीज होगा, या अगर हम इसको हटाकर अगर हम मीडियम प्राइस की अगर हम कार सेल करें तो क्या सेल इंक्रीज होगा, या फिर मीडियम प्राइस की कार को हटाकर अगर सिर्फ हम हाई प्राइस की या एक्सपेंसिव गाड़ी को अगर हम सेल करें या मैन्युफैक्चर करें तो क्या उस पर सेल इफेक्ट होगा या नहीं होगा, मींस क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेनली कंपनी जो है ये जानना चाहती है। सो दिस इज दी केस स्टडी। तो ये था आपका डेटा व्यू। अगर हम वेरिएबल व्यू की तरफ जाके देखें तो देखिए ये है प्रमोशन, तो इसका जो आपका देखिए ये वैल्यूज देखिए क्या है, 1 for दैट इज हाई प्राइस, 2 for मीडियम प्राइस, एंड 3 for लो प्राइस लेवल ऑफ कार्स। तो ये हमारा नॉर्मल डेटा हो गया, क्योंकि हमारा ये क्या कहते हैं कैटेगरी डेटा है। सेल्स आपका हमेशा क्या होता है, सेल आपका स्केल में होता है, दैट मीन्स आपका रेशियो स्केल में हो गया। तो पहले देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, एनोवा टेस्ट। बस उसके पहले हमें क्या देखना है कि एनोवा टेस्ट कौन सा है, पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो उसके लिए हम बेसिक जो चार कंडीशन है क्या वो फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। देखिए ये डेटा आपका इंटरवल सॉरी ये रेशियो स्केल में है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी हमारी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम बाकी और कंडीशंस। सो वही सेम प्रोसीजर, एक्सप्लोर सेल्स पर मशीन कैटेगरी डेटा है, आपका फैक्टर लिस्ट में आ जाएगा। सेल्स पर डे सेल्स ये आपका डिपेंडेंट लिस्ट में आ गया। स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ नहीं करेंगे। प्लॉट्स में हिस्टोग्राम, नॉर्मलिटी एज वेल एज होमोजेनिटी दोनों चेक करेंगे। ऑप्शन में हम कुछ नहीं करना हमें, एंड देन जस्ट प्रेस ओके। सो दिस इज़ दी आउटपुट टू चेक दी नॉर्मलिटी एंड दी होमोजेनिटी। सो अगर हम देखिए केस स्टडी की समरी देखें तो देखिए हाई प्राइस, मीडियम प्राइस, लो प्राइस कितने हैं, 10-10 ईच हैं, कोई मिसिंग फिगर नहीं है, टोटल 100% है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए क्या डेटा बताता है आपको। मीन अब देखो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, पहले हमारे पास दो ही होते तो तीन है। हाई प्राइस जो कार है उनका मीन कितना है, 93.4। मीडियम प्राइस का मीन कितना है, दैट इज 67.9। देखिए ये मीन आपका करोड्स में है, सेल्स है ना, तो ये किस में है, करोड्स में है। देन लो प्राइस 40.6, डिफरेंस तो है।
फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए मीडियन आपका 94.5 फॉर दी हाई प्राइस सेल्स कार, देन मीडियम फॉर दी मीडियम प्राइस कार से दैट इज 68 एंड फॉर लो दैट इज 40.5। अगर हम बात करें स्क्यूनेस, देखिए ये कितना है, दैट इज 0.118, इसका कितना है दैट इज 0.344, इसका है दैट इज 0.298। एंड प्लीज हम कह सकते हैं कि जो हाई प्राइस का है उसका डाटा कह सकते हैं कि वेरी क्लोज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि जितना वो क्लोज से जीरो से जितना क्लोज होगा दैट मीन्स वो यही डेटा आपका या वो सीरीज आपकी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट के ज़्यादा क्लोज होगी, राइट। अब देखते हैं हम जरा एक बार इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए इसका कितना है दैट इज 3.97, इसका है दैट इज 2.846 एंड इसका है 2.456, यानी कि लो प्राइस जो कार है उनका जो डिस्पर्जन है वो सबसे कम है। तो देखिए ये आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस आपको ये शो कर रहा है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही सब आपको जो है जब आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपको यही सब आपको जो है अपने पेपर में ये सब इंटरप्रेट करना होगा या रिपोर्ट करना होगा। चलिए अब एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। ये है आपका हिस्टोग्राम। अगर हम हाई प्राइस का देखें तो इस तरह का ये डेटा शो कर रहा है आपका। देन जो मीडियम प्राइस है उसकी कार का देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये शो कर रहा है, एंड लो प्राइस का आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम तीनों को कंपैरिजन देखें तो देखिए ये आपका देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड नज़र आ रहा है एंड ये आपका थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव स्क्यूड नज़र आ रहा है, ये भी पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके कह सकते हैं कि तीनों में से कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए अब मेन हमारा थर्ड है कि हमें देखना है मेन नॉर्मलिटी एंड हवोजिटी। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर पी की वैल्यू 0.05 से अगर ज़्यादा है सो वी कैन से दैट द डेटा और सीरीज इज दी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो देखते हैं हम तीनों का यानी हाई प्राइस मीडियम प्राइस एंड लो लेवल प्राइस ऑफ द कार, तीनों का ही जो को लेवल जो है वो सिग्निफिकेंट क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स मोर देन 0.05, ठीक है। सो अगर यह है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि तीनों का प्राइस वैल्यू जो डेटा है वो आपका क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए हमारा टिक हो गया। अब बात करते हैं होमोजेनिटी की, यानी कि क्या वेरियंस, क्या जो वेरिएबल हैं उनमें जो डेटा है क्या उसमें जो कुछ सिमिलरिटी है या नहीं है। सो अगेन देखिए बेस्ड ऑन मीन मीडियन मीडियन ये सब आपके सारे सारे भी नहीं, सब इनसिग्निफिकेंट, दैट मीन्स मोर देन 0.05, सो दैट मीन्स देर इज अ होमोजेनिटी इन दी वेरियंस, राइट। सो दैट मीन्स अब हम जो है पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। तो कौन सा हम टेस्ट लगाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनोवा। सो गो टू कंपेयर मीन्स एंड क्लिक ऑन वन वे एनोवा। सो डिपेंडेंट, सो दिस वुड बी दी फैक्टर कौन सा हुआ था, हमेशा देखना कैटेगोरी वाला, और उसके लिए तो वो आपका हमेशा कहते हैं डिपेंडेंट। कॉन्ट्रास्ट में हमें कुछ नहीं करना, पोस्ट ऑक में ऑलवेज क्लिक ऑन बेंफेरोनी टेस्ट बिकॉज ये मोस्टली वाइडली आपका जो है यूज होता है, तो हम इस पर ही देखेंगे। ऑप्शंस में हम देखिए डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, होमोजेनिटी हम देख चुके हैं चलो फिर भी देख लेते हैं, मीन्स प्लॉट कंटिन्यू एंड देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका वन वे का एनोवा का, पहले बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की क्या बता रहा है आपको। तीनों को देखिए एन नंबर ऑफ कार्स कितनी, दैट इज 10, ये मीन है तीनों का, डिफरेंसेस आ रहा है लेकिन देखेंगे क्या डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं वो हमें चेक करना है। सेंड डेविएशन देखिए तीनों का डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा किसमें, हाई प्राइस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंड एरर भी सबसे ज़्यादा इसमें ही है। देन टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हमने देखो देख लिया था 0.328, ये देखिए वही आपका जो शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ देखा था 0.328, ये देखिए वही आपका फिगर शो कर रहा है ये बेस्ड ऑन मेन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस नहीं है, तो अब आपकी मर्जी चाहे होमोजेनिटी आप कैसे भी चेक कर लो। अब बात करते हैं एनोवा, यानी कि एनोवा आपको क्या शो कर रहा है। एनोवा मैंने क्या क्या बताता, क्या बताता है, दैट इज मेन डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ पर एच नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, दैट मीन देर इज अ नो डिफरेंस इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑन द सेल्स, ठीक है। ये क्या होगा नल हाइपोथेसिस, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा इसका उल्टा, दैट मीन्स देर इज अ इम्पैक्ट ऑन द प्राइस लेवल ऑफ कार ऑन द सेल्स, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ये 0.05, तो क्या बोलेंगे हम रिजेक्ट या फिर क्या बोलेंगे इसको
फेल टू रिजेक्ट, 0.05, सो हम क्या बोलेंगे, दैट इज इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, राइट, इसको क्या करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस, इसको रिजेक्ट करेंगे, दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द प्राइस लेवल ऑफ द कार्स लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखिए एनोवा, देखिए आपको ओवरऑल बताता है, दैट मींस देखिए बिटवीन द ग्रुप्स, देखिए बिटवीन द ग्रुप्स यानी कि इतना सम ऑफ स्क्वायर्स, इतना आपका जो है डीएफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंडिंग यानी कि आपको ओवरऑल, देखिए हमारे पास तीन टाइप के आपके पास कार्स हैं, हाई लेवल की भी हैं, लो लेवल की भी हैं एंड मिडिल लेवल की भी हैं। इन तीनों का जो मेनली जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि वो यहाँ पर क्या है 0.00 यानी कि 0.05 से कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये तीनों को मिलाकर दिखा रहा है, लेकिन अगर हमें मान लीजिए इंडिविजुअल दिखना है, जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीपल कंपेरिजन दिखा रहे हैं, हाई प्राइस के साथ मीडियम प्राइस के साथ, हाई प्राइस मीडियम प्राइस, तो देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है, हाई प्राइस लो प्राइस ये भी सिग्निफिकेंट है, मीडियम प्राइस हाई प्राइस सिग्निफिकेंट, मीडियम प्राइस लो प्राइस सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कोई कंपनी स्पेसिफिक दिखाना चाहती है किसी एक का, कि भी कंपनी जो है कौन सी प्राइस लेवल की कंपनी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए ताकि कंपनी की सेल्स बढ़े, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आता, मान लीजिए इनसिग्निफिकेंट आता कि लो प्राइस लेवल की जो प्राइस है वो हाई, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो कंपनी क्या करेगी, लो प्राइस की जो है कंपनी क्या करेगी, उसको बंद कर देगी, या मैन्युफैक्चर कम कर दे, बंद तो नहीं करेगी, चेक कम कर सकती है, बिकॉज मीडियम प्राइस हाई लेवल का सेल्स बढ़ रहा है बट लो प्राइस का नहीं बढ़ रहा, तो बट यहाँ पर क्या तीनों ही कर रहा है, तो यहाँ पर कंपनी अपना डिसीजन कैसे ले सकती है। तो ये था आपका मल्टीपल कंपेरिजन, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द एनोवा in SPS data. So I hope you have understood very well. Thank you. Please keep like, subscribe and share my channel.